फ्रेंच टेनिस खिलाड़ी की बदतमीजी पर बोली रिपोर्टर में लाइव नहीं होती तो उसे एक घूंसा जड़ देती। एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी मैक्सिम हेमू एक महिला टीवी पत्रकार के साथ बदतमीजी करते नजर आए। उसके बाद इस खिलाड़ी को फ्रेंच ओपन से बाहर निकाल दिया गया है। यही नहीं, आयोजकों ने 21 वर्षीय मैक्सिम हेमू की हरकत को निंदनीय व्यवहार बताया है। बता दें, यह वाकया सोमवार का है जब पहले दौर के मैच में हार के बाद मैक्सिम हेमू से बात करने के लिए यूरो स्पोर्ट्स की पत्रकार मेली थॉमस पहुंची थी और बातचीत के दौरान हेमू ने मेली को कंधों को पकड़कर कई बार जबरदस्ती चूमा। इस घटना के बारे में फिंगटन पोस्ट के फ्रांसीसी संस्करण से बात करते हुए मेसी थॉमस ने कहा, यह बहुत बुरा था। अगर मैं लाइव ऑन एयर नहीं होती तो मैं उसे घूंसा मार देती। अब फेडरेशन ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि मैक्सिम हेमू ने अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांग ली है। हेमू ने फेसबुक पर लिखा है, इंटरव्यू के दौरान मेरे व्यवहार से अगर मेली थॉमस को चोट पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। इससे पहले जनवरी 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज क्रिस गेल ने एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर को डेट पर ले जाने की पेशकश कर दी थी। क्रिस गेल की इस हरकत की चौतरफा कड़ी आलोचना हुई थी और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया था।